कहते हैं ये दुनिया को फिजिक्स से कांस्टेंट चलाती है, फ्रॉम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू कूलम्स कांस्टेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। और अगर इन सभी में से किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए देन हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा हो जाता है। ये सभी बातें हमने किताबों में पढ़ी है, और बात जब फिजिक्स किताबों की जाए देन एक ऐसी किताब है जिसने भारत देश को ना जाने कितने इंजीनियर्स दिए हैं, एक ऐसी किताब जो कि फिजिक्स की दुनिया की पहचान बन चुकी है, और वो किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय हरिश्चंद्र वर्मा सर। हर साल जिस किताब को पढ़ के लाखों बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, उसके राइटर खुद भी एक इंजीनियर नहीं है। पर ऐसा कैसे हो गया, एक इंडियन ऑथर की बुक इतनी ज्यादा वायरल कैसे हो गई? स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल के न्यू सेगमेंट पे, जहाँ पे हम एक फेमस या एस्टेब्लिश चीजों को पकड़ेंगे और जानेंगे कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। हरीश चंद्र वर्मा, जिन्हें एच सी वर्मा के नाम से जाना जाता है, आई वांट टू कांग्रेचुलेट प्रोफेसर एच सी वर्मा, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। एच सी वर्मा हम आप जानते हैं देश के जाने माने फिजिसिस्ट हैं, और अगर आपको अभी याद नहीं आया तो अपने स्कूल की उस मेमोरी लेन में जाइए जहां हम वो दो वॉल्यूम वाली कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की किताब पढ़ा करते थे। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एंड वी आर कंप्लीटिंग 75 इयर्स दैट 15th अगस्त। तो वाकई एच सी वर्मा ने उनकी किताबों ने जो छाप छोड़ी वो आज भी कायम है। एच सी वर्मा सर का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। साल था 1952 का, और सर कहते हैं उनको अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। पर उनके पिता ना आज तक कभी स्कूलिंग किए थे ना किसी भी तरीके का फॉर्मल एजुकेशन। इनफैक्ट वो एक लेबर वर्कर थे, और एट द एंड उनकी एक चाय की दुकान थी जिसमें वो सेटल हुए थे। पर उसी दौरान चाय की दुकान में काम करते हुए उनके पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो कई महीनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। तो अपना समय को काटने के लिए वो कई सारी किताबें खरीदते हैं, पर उन किताबों में उनको अचानक से इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि जैसे ही वो अपने बेड रेस्ट से उठते हैं वो गाँव शिफ्ट हो जाते हैं समस्तीपुर, और समस्तीपुर में एक विद्यालय की संरचना करते हैं जिसका नाम होता है राजस्थान विद्यालय। कहते हैं कि राजस्थान विद्यालय एक वन मैन शो था, यानी कि उस स्कूल के झाड़ू मारने से लेकर प्रिंसिपल तक का काम सिर्फ एक ही इंसान करता था, और वो थे सर के पिता। ये वही समय था जब वर्मा सर जाने अनजाने में मैथ्स को सीख रहे थे, क्योंकि उनके पिता मैथ्स के बहुत ही अच्छे टीचर थे, और उसी स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता देख वो भी मैथ सीख रहे थे। करीब 6 साल समस्तीपुर में रहने के बाद उनकी फैमिली पटना शिफ्ट होती है, और ये वही समय था जब उनके पिता ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली अब वर्मा सर को एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है। ध्यान रहे, अब तक वर्मा सर अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी और अपने पिता को पढ़ाता देख अपने ही स्कूल में सीख रहे थे। बट फाइनली उनका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है, जहाँ पे वो अपनी जिंदगी का पहला एग्जाम देते हैं, और उनके मार्क्स आते हैं 0, क्योंकि उन्होंने सभी पेपर्स को ब्लैंक सबमिट किया। यह देखकर उनके पिता अब के लिए बहुत ही चिंता करते हैं और उनका स्कूल चेंज करवा देते हैं। इस बार स्कूल था आदर्श विद्यालय, और आदर्श विद्यालय में भी सेम किस्सा फिर से रिपीट होता है, और अगेन वो फिर से अब तीसरे स्कूल में उनके पिता एडमिशन करवाते हैं, और इस स्कूल का नाम था राम मोहन रॉय मिशनरी स्कूल। क्योंकि सर की इंग्लिश बहुत ही वीक थी, सर को इंग्लिश ट्रांसलेशन आता ही नहीं था। वैसे भी सर कहते हैं कि सर का एकेडमिक्स पे कभी फोकस ही नहीं था, वो हमेशा बाहर की चीजों और खेलने पे फोकस करते थे। यह देखकर उनके फैमिली वाले बहुत ही चिंता करते थे, उनको बहुत ही डांटते थे। तो कुल मिलाकर 9th क्लास तक वर्मा सर पढ़ाई में बहुत ही खराब थे। एक बच्चा जो कि 9th क्लास तक फेल करता था, जस्ट पासिंग मार्क्स आते थे उनके मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में, वो बच्चा अचानक से बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाला इंसान बन गया। पर ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी और अनरियलिस्टिक है। पर ये सभी बातें वर्मा सर ने खुद अपने चैनल के प्लेलिस्ट एच सी वर्मा की कहानी एच सी वर्मा की जुबानी में कहा है। वो कहते हैं कि बचपन में उन्हें ठेकुआ बहुत पसंद था। ठेकुआ बिहार का एक बहुत ही फेमस प्रसाद है जो कि छठ पूजा में बनता है। और इसी बीच सर की फैमिली, सर के भाई, सर के दीदी और फैमिली में सभी लोग सर के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि सर आखिरकार जॉब कैसे करेंगे, इस दुनिया में सरवाइव कैसे करेंगे और कैसे उनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। बट इसी दौरान सर की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है।
और वो आइडिया ये होता है कि वो सर को एक कंडीशन देते हैं कि एचसी वर्मा सर हर शाम 1 से 2 घंटे एक रूम में कंप्लीटली बंद रहेंगे। उनको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप बैठकर पढ़ाई करो, बट कंडीशन ये है कि आप 2 घंटा तक रूम में बंद रहोगे। इस दौरान आपके सामने एक कॉपी, एक बुक और एक पेन रहेगा। आप पढ़ो या ना पढ़ो ये आपकी चॉइस है, बट ये 3 चीजें आपके सामने हमेशा रहेगी और बदले में आपको ठेकुआ खाने को मिलेगा। यस, ये बात एक इतने भी ज्यादा छोटे नर्सरी या एलकेजी के बच्चे की नहीं है, बल्कि ये बात है 9th से 10th क्लास के बच्चे की। अब क्योंकि सर को ठेकुआ इतना ज्यादा खाना पसंद था कि सर ने इस कंडीशन को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। अब जस्ट इमेजिन, आप अगर एक रूम में कंप्लीटली बंद हो और आपके पास काफी समय है तो आप आखिर क्या ही करोगे। उस जमाने में मोबाइल या टीवी भी नहीं होता था और सर के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पढ़ाई करना। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो बिना पढ़े बीत गया, बट फाइनली वो समय आता है कि सर सोचते हैं कि अब क्या ही करें, चलो आखिर कुछ पढ़ ही लेते हैं। और ये तरीका सच में काम कर गया। सर हर रोज पढ़ने लग गए और फाइनली जब एग्जाम हुआ और इस बार उनके मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे आए कि जब वो मार्क्स अपने पिता को दिखाते हैं तो उनके पिता को विश्वास नहीं होता है कि ये मार्क्स एचसी वर्मा सर के हैं। इनफैक्ट सर के पिता उनके मार्कशीट को लेकर स्कूल जाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कि किसी और का मार्क्स सर को दे दिया गया है। बट अगेन स्कूल में ये कंफर्म होता है कि ये मार्क्स सर के ही हैं और इनफैक्ट सर ने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास किया है। एंड दैट इज द पावर ऑफ ठेकुआ। सर के पिता बहुत खुश होते हैं और सभी के लिए मिठाई लेकर घर जाते हैं। और इस तरीके से फाइनली सर का पढ़ाई वाला जर्नी स्टार्ट होता है, जिसमें कि एचसी वर्मा सर अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से पहला स्टेप शुरू होता है एक ऐसी किताब का जिसने इस देश के फिजिक्स के फ्यूचर को बदल दिया। खैर, सवाल अब ये खड़ा होता है कि ऐसा कब, कैसे एंड क्यों हुआ जो सर ने ये डिसाइड किया कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नाम की एक बुक लिखनी है। और क्या आपने कभी सोचा है अगर हम सर की एचसी वर्मा बुक से पढ़ते हैं तो सर अपने टाइम में कौन से बुक से पढ़ा करते होंगे। और क्या आपको पता है सर अगर चाहते तो फॉरेन जाकर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इंडिया में ही रहकर टीचिंग करनी है। खैर, इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि मैंने जो ये न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है, हाउ इट स्टार्टेड, ये कैसा लगा। एचसी वर्मा सर के बाद हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये होने वाली है कि इंडिया में पहला IIT कब, कैसे और क्यों बनाया था, आखिर IIT कॉलेज को खोलने का आइडिया कहां से आया था और उसकी फाउंडेशन कहां से हुई थी। और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि तुम कौन से फिजिक्स बुक से पढ़ते हो, कौन से बुक को प्रिफर करते हो, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए जो कि कमेंट सेक्शन को देखें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।